फ्रेंड देखें कलेजी पोटा बनाते हैं। कलेजी पोटा बनाना इतना ही आसान है, आपके साथ ही रेसिपी शेयर करता हूँ। इतना ही डिलीशियस बनता है कलेजी पोटा। तो देखिए कलेजी पोटा बनाना शुरू करते हैं। ये कलेजी और साथ में दिखाओ कलेजी पोटे भी हैं और साथ में कलेजी भी है। इनको ऐसे कटिंग बोर्ड ले लेते हैं यहां से, यहां देखो लेजी पोटे को थोड़ा सा छोटे पीसेस में काट लेंगे इस तरह से। दिखाओ सही क्लियर करके दिखाओ ना। पोटो को कट इन टू कर लेंगे और अगर कलेजी बड़ी होगी तो उसे कट इन थ्री कर लेंगे, नहीं तो कट इन टू कर लेंगे। देखिए जैसे ये कलेजी एक छोटा पीस है और एक थोड़ा बड़ा, इसको कट इन थ्री कर लेंगे। कलेजी पोटे मिक्स बनाए तब भी अच्छे बनते हैं, खाली कलेजी बनाए तब भी अच्छी बनती है। हम ज्यादातर खाली कलेजी भी बना लेते हैं। आज तो पोटे मुर्गी इकट्ठी लाए थे 10 मुर्गियां जो ला के हम फ्रिज में फ्रीज कर दी थी लोगों के, तो इसलिए पोटे भी थे, तो इसलिए पोटे कलेजी इकट्ठी पा रहे, नहीं तो पोटे नहीं जल जाते थे, सिर्फ कलेजी ले आते और बना रहे थे। पोटे स्किप कर दें तो ये भी तो डाल दो, कभी कभी अच्छे भी लगते हैं। नहीं जी, तो लोग तो इसका बारबेक्यू भी खाते हैं, भून के भी खाते हैं, लोगों के तो बड़े फेवरेट होते हैं पोटे। हमारे घर में पता नहीं कभी इच्छा नहीं रहते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो दिल होते हैं इनको भी यूज कर लेंगे। ये देखिए ये बीच में से काट के साफ किए हुए, मेरी सिस्टर ने साफ किए। इतने अच्छे से साफ करके रखे हुए, मैं धो लेंगे अच्छी तरह। जैसे ही दूध उबल जाएगा फिर कलेजी बनाना शुरू करेंगे। कलेजी बनाने के लिए हम ले लेते हैं प्याज, थोड़ी सी प्याज ले लेंगे। दूध कभी दे रहे प्याज को इस तरह से बारीक काट लेंगे।
दूर कर लो। थोड़ा सा लहसुन ले लेंगे, दिखाओ लहसुन दिखाओ। देखिए लहसुन भी चाहिए, लहसुन को भी थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। तो देखिए दूध में भी उबाल आ रहा है। तो देखिए हमारा दूध भी बॉइल हो गया। तो फ्रेंड्स कलेजी बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। देखिए कलेजी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में डाल देंगे पानी, चढ़ा लेंगे फ्लेम पे। ये हमारी साथ में भिंडी की दम पे बस ये भी तैयार है रेडी। और पानी को बॉइल डालने देते, तब तक देखे हमने प्याज और लहसुन बारीक कर लिए। यहाँ से ले लेते हैं 2 से 3 टमाटर, टमाटरों को वॉश कर लिए। वॉश करके काट लेते। तो फ्रेंड्स एक ट्रिक आपको बताऊंगा टमाटर के बारे में। टमाटर आप जितना बारीक करके अपनी हांडी में यूज करेंगे उतनी वो देर से करेगा। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। टमाटर को हमेशा मोटा मोटा काट के हांडी में डालेंगे तो वो फौरन से गल जाएगा। हालांकि लोग समझते हैं बारीक करके काटने से जल्दी गल जाता है, ऐसा नहीं है। वो क्यों भाई ऐसा है? टमाटर थोड़ा कलेजी है तो ज्यादा डालेंगे ताकि मजा ज्यादा आए। जितनी ग्रेवी और कलेजी में उतना मजा आता है। देखिए टमाटर भी काट लिए। अब देखिए हमारा पानी बॉइल्ड, पानी में बॉइल्ड आ गया। एक बार से होना, सबसे पहले डालेंगे कलेजी। कलेजी बकरे की हो, मुर्गे की हो या फिर बड़े गोश्त की हो, इसी तरह से पकती है। कलेजी को भूनना नहीं चाहिए पहले से। देखिए कलेजी डाल दी। अब डाल देंगे प्याज लहसुन और टमाटर। अब डाल देंगे सूखे मसाले जिसमें है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक,
अलावा जीरा पाउडर, सुनना थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दें और थोड़ा सा डालें सूखा धनिया पिसा हुआ, नहीं तो सूखा धनिया भी डालते, गरम मसाला पाउडर डाल दें थोड़ा सा, और कुकिंग ऑयल जब ये हाफ डन हो जाएगा तो इसमें दही डालेंगे थोड़ी सी, इसमें ज्यादा नहीं, थोड़ी सी फेंट के एक चम्मच डालेंगे और इसको इस तरफ से आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसको कवर अप कर देते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताते हैं। जब ये अच्छी तरह गल जाएगी, जब हाफ डन हो जाएगी तो इसमें एक दो चम्मच दही पे डाल देंगे और साथ में देखिए हमारी बिंडिंग भी रेडी रेडी हो रही है, दिखाओ बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे रखती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चाहे तो इसकी साइड चेंज कर ले, दिखाओ क्लोज भी होगा पढ़ने की जगह ना, टिशू वो पीछे पड़ा है, इस तरफ से टिशू वो पीछे पड़ा है। माशाल्लाह कितनी प्यारी भिंडी, भिंडी डन हो गई है फ्रेंड्स, देखिए भिंडी बिल्कुल डन है, देखिए फ्रेंड्स देखिए हमारी प्लेटी भी डन होगी। इसके थोड़ा सा दही, अब ये स्टेज आ गई है, इस स्टेज पे थोड़ा सा दही इसे फेंक के थोड़ी देर दम लगा देंगे, बस कलेजी भी हमारी डन है, कलेजी पोटा मजेदार सा, ठीक है इस तरह से कवर अप करके थोड़ी सी फ्लेम को लो कर देंगे। अभी देखना दही अच्छे से ग्रेवी में तब्दील हो जाएगा जब ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो फ्रेंड देखिए कलेजी हमारी बिल्कुल बन के तैयार है, दिखाओ कितनी प्यारी माशाल्लाह से सेठ माशाल्लाह। तो देखिए हरा धनिया धो लिए, हरा धनिया डाल देते थोड़ा सा, आप क्या चौक कर रहे हैं आप, चॉपिंग बोर्ड भी है पर जल्दी में ना ऐसे ही कर लेते हैं स्लैब पे, दिखाओ धनिया डाल देते हैं। जल्दी किस बात की है, देखिए धनिया डाल दी है, देखिए फ्रेंड्स कलेजी पोटा तैयार है, कितना मजेदार, देखिए बस डन करा डन, थोड़ा सा इसकी बुनाई कर लेंगे इस तरह से, देखिए फ्रेंड्स हमारा कलेजी पोटा तैयार है, बस थोड़ी सी इसकी बुनाई करेंगे और साथ में नीचे भिंडी आलू भी तैयार है, कितने प्यारे माशाल्लाह से भिंडी आलू तैयार है। ऊपर हल्का अपने रूम में, यस
तो देखिए फ्रेंड्स, कलेजी कोटा भी तैयार हो गया माशाल्लाह से, कितना प्यारा बना है। बस इसकी जल्दी सी बुनाई करेंगे। चम्मच दूसरा ले लेता हूं। देखिए इसका फ्लेम भी ऑफ करते हैं। कलेजी कोटा भी तैयार हो गया। देखिए मैं आपको सब करके दिखाता हूँ। देखिए कितना प्यारा बना है। देखिए मेरे हाथ पे भी जरा धनिया लगा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितना मजेदार पोटा कलेजी, कितना मजेदार पोटा कलेजी फ्रेंड्स तैयार हुआ है। देखिए पोटा कलेजी है, साथ में भिंडी है। भिंडी भी मैं आपको दिखाता हूँ, भिंडी की अलग से रेसिपी है। आलू भिंडी बनाई है मजेदार सी, और साथ में नान है तंदूर की। दिखाओ ना, तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके जरूर बताया करें।